देती है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मतलब एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट्स को क्या कर रही है, फटाफट बोलो, एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा बताओ, इसमें ऑनर्स फंड तो लगे ही होंगे, और कौन से, फटाफट बोलो, ऑनर्स फंड, जो ऑन फंड है वो तो लगे ही हैं जो एक्सेप्ट करती है। और इससे अगर कोई कंपनी बिजनेस करती है, इतना पैसा लेकर के अगर ये बिजनेस करती है, और पैसे से कहाँ कहाँ खर्चे कर सकती है, तो इस पैसे से कुछ भी यूज कर सकती है, कहीं भी ये पैसा लगा सकती है। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी, जैसे असेट फाइनेंस कंपनी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी हो सकती है, लोन्स एंड एडवांस बांट सकती है, अदर बिजनेस कर सकती है, जैसे चिट फंड के बिजनेस कर सकती है। अगर इस पैसे को वो यहाँ लगा रही है, तो ऐसी कंपनी को बोलेंगे एनबीएफसी डी। डी का मतलब ये है कि ये क्या एक्सेप्ट करती है, फटाफट बोलो, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन उसके लिए उसको आरबीआई सेक्शन 45(IA) के अंदर अपना क्या कराना पड़ेगा, फटाफट बोलो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो, एनबीएफसीडी। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो हाँ, है ना, क्लियर। तो इनमें से कोई भी एक काम करती है तो उसको हम एनबीएफसीडी बोल देंगे। अब यहां आती है दूसरी एनबीएफसी, इसको बोलते हैं एनबीएफसी एनडी। मतलब एनबीएफसी एनडी मतलब ये भी कंपनी है जो आरबीआई के अंदर, फोर्टी फाइव आईए के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका नेट ऑन फंड 200 लाख या 200 लाख से ज़्यादा है, 200 लाख या 200 लाख से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 200 लाख या 200 लाख से ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या नहीं करती, ये एक्सेप्ट नहीं करती है, बताओ क्या? डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट्स? ना तो ऑन डिमांड डिपॉजिट्स, और ना ही क्या, फटाफट बोलो, टर्म डिपॉजिट्स। ये दोनों तरह के डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर इसमें किसका पैसा लगा है? केवल ऑनर्स का, केवल ऑन फंड ही है जो इसमें लगा हुआ है। और इस पैसे से क्या करती है, फटाफट बोलो, वो अपने बिजनेस करती है। बिजनेस कहीं भी कर सकती है, वो एएफसी हो सकती है, आईएफसी हो सकती है, लोन्स एंड एडवांस बांटने वाली हो सकती है, अदर्स हो सकती है, कुछ भी इस तरह के बिजनेस करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनबीएफसी एनडी। मतलब एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली कंपनियां, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो बेसिकली कंपनियां दो होती हैं, एक एनबीएफसी डी और एक एनबीएफसी एनडी। बताओ कौन सी कंपनीज के ऊपर ऐसा है जो आरबीआई का शिकंजा ज्यादा तगड़ा होगा, बोलो? एनबीएफसी डी के ऊपर आरबीआई जो है अपने ज्यादा गाइडलाइंस लगाएगी, तो इन पर लगभग बैंकिंग कंपनी के जैसे ही गाइडलाइंस अप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर मैंने आपसे बोला कि इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बहुत कम है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, पहले मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इन कंपनीज के बारे में पढ़ाऊंगा, एनडी के बारे में, क्योंकि ये तो लगभग बैंकिंग कंपनी जैसी ही होती हैं। तो इनके ऊपर जैसा बैंकिंग आपने पढ़ रखा है, वो वाले रूल्स इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो इनको हम बाद में डील करेंगे, किसको, एनबीएफसी डी को, फर्क बाद में लिखवाऊंगा। पहले मैं जो भी लिखवाऊंगा वो किसके हिसाब से लिखवाऊंगा, एनडी वाली कंपनियां लिखवाऊंगा। क्लियर, कौन सी वाली लिखवाऊंगा, फटाफट बोलो, एनडी वाली। अब यहां पर भी एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एनबीएफसी एनडी है, ये एनबीएफसी एनडी जो है, ये दो तरह की हो सकती है। एक एनबीएफसी एनडी एसआई,
और दूसरी हो सकती है एनबीएफसी एनडी, एनबीएफसी एनडी, जिसका जिसका मैं आपसे बोलूं यहां पर जो हमको देखना है वो है इंपॉर्टेंट कि ये दो तरह की हो सकती कौन कौन सी, फटाफट बोलो, एनडीएफसी एसआई और दूसरी क्या हो सकती है, एनडीएफसी एनबीएफसी एनडी, केवल एनडी भी हो सकती है एसआई भी हो सकती, ये हमेशा ही एसआई होते हैं, ये हमेशा ही क्या होते हैं, एसआई होते हैं। अब ये एसआई क्या है वो हम समझ लेते हैं, क्या ये बात समझ में, कौन सी हमेशा ही एसआई होती हैं, फटाफट बोलो, जो टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही वो एसआई ही होती हैं, क्लियर है कि नहीं, कौन सी वाली एसआई हो भी सकती हैं और नहीं भी, फटाफट बोलो, एनबीएफसी एनडी, क्या ये बात समझ में आई, बोलो क्लियर हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर इनने जो ये बिजनेस कर रखे हैं, किसने फटाफट बोलो किसने बिजनेस कर रखे हैं, एनबीएफसी एनडी ने जो बिजनेस कर रखे हैं, अगर ये बिजनेस 500 करोड़ से ज्यादा के कर रखे हैं, कितने से 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा के कर रखे हैं तो फिर वो एसआई है, अगर 500 करोड़ से कम है तो फिर वो एनबीएफसी एनडी है, क्या ये बात समझ में, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये एसआई क्या है, एसआई मतलब बेटा आरबीआई चाहता है सिकंजा कसे, अगर आपने ज्यादा पैसा जाल फैला रखा है, 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रखा है, इसका मतलब तय है कि आपको फिर आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेंगी, क्लियर है कि नहीं, फुलफिल पूरी की पूरी गाइडलाइंस लगेंगी, बिल्कुल बैंकिंग कंपनी जैसी, क्या ये बात समझ में आई। तो बेसिकली बेटा ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसका फटाफट बोलो, एनबीएफसी की कैटेगरीज, एनबीएफसी इतनी कैटेगरी की हो सकती है, बिजनेस चाहे वो कोई भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है कि नहीं, बोलो याद रहेगा कि नहीं। और ये कैटेगरीज हमको याद रखना है क्योंकि आरबीआई अलग अलग कैटेगरीज पर अलग अलग रूल्स लगाता है, इसलिए वो कैटेगरीज हमको पता होना चाहिए कौन सी एसआई है कौन सी एसआई नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो ये बेटा मैंने जो आपको बताया दैट इज अवर कैटेगरीज, ये देखें जहां आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिलता है कि इनने जो कैटेगरीज बांट रखे हैं ये देखें, ये तीन तरह की कैटेगरीज बता रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इसको क्या बोलेंगे एनबीएफसी डी, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इसको एनडी बोलेंगे, लेकिन उसकी असेट लेस देन कितनी होना चाहिए फटाफट बोलो, 500 करोड़ होना चाहिए। बोलते हैं एक और नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एसआई का मतलब क्या है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एनबीएफसी एनडी एसआई हो सकती है लेकिन अगर उसका बिजनेस 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा हो गया तो बेसिकली इनने तीन बांट रखी, लेकिन होती दो ही है, होती कितनी है दो, एक एसआई का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस, मतलब आप बैंकिंग कंपनी के जैसा ही बिजनेस करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस चला रहे हो, जैसे एक बैंक चलाता है आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस चला रहे हो तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस कंपनी कहलाने लगते हो, फिर आपके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस बैंकिंग कंपनी जैसी लगना चालू हो जाती है। लेकिन जब आप अपने हिसाब से चला रहे हो, छोटी कंपनी हो, बहुत छोटा सा काम कर रहे हो, साहूकार बन के बैठे हो, लोगों को बस लोन दे रहे हो, तो आरबीआई बोलता है ठीक है आप थोड़े से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, सारे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि एक छोटी कंपनी है, 500 करोड़ से नीचे के बिजनेस करने वाली कंपनी क्या हो गई छोटी, और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये क्या हो गया फटाफट बोलो बड़े, ये तो बेटा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस है ही, कौन सा वाला जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो बैंकिंग कंपनीज के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, लेकिन ये 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करते हो, खुद के पैसे से भी 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हो, मतलब पब्लिक को ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया, तो आपको भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस में आना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आई बोलो, या 500 करोड़ तक का बिजनेस करते हो तो आपको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस में आना पड़ेगा, दैट इज अ कैटेगरीज बिहाइंड एनबीएफसी एनडी, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं। ये तीनों तरीके समझ में आ गए, तीनों की तीनों बातें समझ में आएंगी नहीं, ये इतने तरह की एनबीएफसी होगी। अब बिजनेस जो भी करे वो डिपेंड करेगा, अभी हम समझेंगे बिजनेस कैसे निकालेंगे क्या करेंगे, बट ये सारी बातें समझ में आना चाहिए, क्लियर बोलो, अरे हाँ है ना पक्का, इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से बेटा ये लोग अपना बिजनेस
जमाएंगे और एनबीएफसी के प्रोविजंस इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सर एसआई का मतलब, बेटा अगर कोई कंपनी एसआई बन गई है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस में आ गई है, तो नियर फ्यूचर जल्दी ही बैंक में कन्वर्ट हो जाती है, वो बहुत जल्दी बैंक बन जाती है। मतलब बेसिकली आप पहले अगर आप बैंकिंग कंपनीज बनाना चाहते हो तो पहले आपको एनबीएफसी बनना पड़ता है, और जब आप एनबीएफसी बन जाते हो तो कुछ समय बाद आप सिस्टमेटिकली बिजनेस चलाते हो तो आरबीआई आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस भी दे देती है, फिर पब्लिक से आप करंट डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ऑन डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए ऐसा मान सकते हो कि पहले बैंकिंग कंपनीज बनने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एनबीएफसी बन के सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम देखो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, आप हमको लाइसेंस दे दो, फिर आरबीआई को लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे थे तो आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस मिल जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसी कंपनीज होती हैं बेटा, कई कई ओनर्स तो इतने लोग बड़े बड़े लोग हैं कि जिनको पब्लिक के पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैं बोलूँ टाटा फाइनेंस के लिए जरूरत ही नहीं कि पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करें, उनके पास ही खुद के फंड है, तो ओन फंड से ही वो काम कर रहे हो, 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ, टाटा फाइनेंस 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है और ओन फंड से कर रहा है, तो बताओ इन तीन कैटेगरी में कहाँ आएगा? जल्दी बोलो, थर्ड में आ जाएगा, क्योंकि वो ओन फंड से काम कर रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से बेटा इन तीन कैटेगरीज में एनबीएफसी को बांटा जाता है। क्या ये सबको याद रहेगा? बोलो। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई एनबीएफसी को लेकर के। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये बोलते हैं कि ऑन फंड अगर एनबीएफसी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एनबीएफसी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ऑन फंड कम से कम एटलीस्ट कितने का होना चाहिए? फटाफट बोलो, 200 लाख का ऑन फंड होना जरूरी है। मतलब आपको 2 करोड़ रुपए से कम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एनबीएफसी का बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्या ये बात याद रहेगी? कम से कम कितना होना चाहिए, फटाफट बोलो, 200 लाख। अभी 200 लाख में क्या क्या आएगा, ऑन फंड कैसे निकालेंगे? तो लिखें ऑन फंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑन फंड में आएगी पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस पड़ा है तो माइनस कर दोगे, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पड़े हुए हैं तो उसको भी क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, माइनस कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, ऑन फंड, बोलो याद रहेगा कि नहीं, क्लियर हुआ? तो कैसे निकालेंगे ऑन फंड, सबको समझ में आएगा नहीं? क्या करोगे फटाफट बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ क्या क्या बोलो बोलो, अरे वाह, और इन सबका टोटल कितना होना चाहिए बेटा? हाँ 200 लाख, ठीक है मान लिया। चल आगे बढ़े, हेडिंग डालेंगे अब जरा, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, क्या हो गया? लो ऐसे घबराने लगते कि मतलब क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया? उतार लिया, आगे बढ़ूं? तुम तो ऐसे पता नहीं, लिखो जरा टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, बातचीत बन, अब लिखो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। 10 तरह की एनबीएफसी होती हैं, 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी हैं। मैं चाहो तो ये थ्योरी को एक्सेप्ट छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूँ क्या कि बता दूँ आपके स्टडी मटेरियल में दिए बहुत सारी थ्योरी। चले सबसे पहले लिखें टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, मैंने आपसे बोला 10 तरह की एनबीएफसी होती हैं, उसमें पहली एनबीएफसी है असेट फाइनेंस कंपनी, पहली लिखें असेट फाइनेंस कंपनी, फर्स्ट टाइप कंपनी असेट फाइनेंस कंपनी। बेटा इस कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का मेन बिजनेस है केवल और केवल असेट का फाइनेंस करना। क्या ये बात समझ में, ये असेट का फाइनेंस करती है, असेट्स हो सकती हैं ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, इसके अलावा मशीन्स हो सकती हैं, जनरेटर्स हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड दे आर मूविंग, जो मूविंग आइटम्स हैं केवल उनका करेगी, ध्यान रखना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का फाइनेंस नहीं करती। तो ऐसी कंपनियां जो मूवेबल असेट का फाइनेंस करती हैं उनको आप बोल सकते हो कि ये कंपनी कौन सी है, फटाफट बोलो, असेट फाइनेंस कंपनी है, और इन कंपनी का बिजनेस केवल असेट को फाइनेंस करना होगा। दूसरी बात लिखें इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका काम केवल और केवल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है और केवल सिक्योरिटी में ही इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब मेन ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल बिजनेस है, अपना पैसा जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे और पैसे की रिकवरी कर, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट कंपनीज।
क्लियर हुआ कि नहीं, उसको हम क्या बोल देते हैं फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। क्लियर बोलो। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। इसका तो मेरे को भी बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि ये कंपनी हमने भी एक कंपनी बनाई थी निकिता फिन प्राइवेट लिमिटेड करके, और उसमें पैसा लगा रखा था हम सब ने मिलके, और उसका काम यही था केवल इन्वेस्टमेंट करना। तो आरबीआई का नोटिस आ गया कि आप एनबीएफसी हो, तो उसका केस चल रहा था। क्या ये बात सुन में, वो बोल रहे हैं कि आप एनबीएफसी हो, हम बोल रहे हैं हम एनबीएफसी हैं ही नहीं, हमारा काम केवल इन्वेस्टमेंट करना है। तो बोले आप इन्वेस्टमेंट की इस कैटेगरी में आते हो, तो उसको केस लेकर डिस्प्यूट चल रहा। पर जो भी है, तो ऐसी कंपनियां होती हैं, क्लियर है कि नहीं, जिनका ऑब्जेक्ट क्या है फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स खरीदना और बेचना, क्लियर, और प्रॉफिट अर्न करना। चलता है केस बेटा, चलता रहता है, छोटे छोटे केस हैं। इसके बाद लोन कंपनीज। लोन कंपनीज बेटा एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल बिजनेस है लोन देना, कि वो लोन की एक्टिविटीज करेंगी, लेकिन लोन जो देंगी वो इन असेट के लिए नहीं देंगी, लोन जो देंगी वो ऊपर वाली असेट्स के लिए नहीं देंगी, मतलब वो किसी दूसरी कैटेगरी के लिए फाइनेंस कर सकती हैं अदर देन अबव। इनके अलावा कोई दूसरे लोन्स जो देती हैं, तो कौन सी कंपनी कहलाएंगी फटाफट बोलो, लोन कंपनी। इनके शॉर्ट वर्ड याद रखना AFC, IC, LC। क्या ये बात समझ में, एग्जाम में इसी नाम से लिखे हुए मिलेंगी चीजें, क्लियर है कि नहीं। AFC मतलब असेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब IC, दूसरी कौन सी हो गई लोन कंपनी मतलब वो कंपनी जो लोन देने का काम करती है, और लेकिन ध्यान रखना अदर देन फर्स्ट, जो जिसमें आपको असेट को फाइनेंस करने के लिए लोन दिया, उनको वो कंपनियां इसमें शामिल नहीं होंगी, वो काम इसमें शामिल नहीं होते, तो ऐसी कंपनी लोन कंपनीज कहलाएंगे। इसके बाद आती है बेटा नेक्स्ट, क्या एक मिनट रुको, वैसे आपको जो नोट्स दिए गए उसमें सब लिखा है। अब ठीक है, जिसको मिल गए ठीक है, जिसको नहीं मिले वो ले मिल जाएंगे, इतना क्यों घबरा रहे हो, मिल जाएंगे। कितने लोगों को नहीं मिले, कि पीछे तो मिल गए थे, सेव परमल खाना है क्या रखे। उतार लिया भैया, लिख लिया, चलो देखो नेक्स्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब समझते हैं, रोड, ब्रिज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो आते हैं, जैसे रोड बनाने का काम, ब्रिज कमाने का काम, क्या ये बात समझ में आई। ऐसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कराती है। इन कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तब मानेंगे जब इन्होंने अपने ओन फंड का लगभग 75% टोटल असेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया है। जितने भी लोन दिए उसका 75% कम से कम किसको लोन दे रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में लोन दे रखा है। और इनका मिनिमम ऑन फंड, ध्यान रखना ऐसी कंपनी का मिनिमम ऑन फंड 300 करोड़ होना चाहिए, कम से कम कितना होगा फटाफट बोलो, 300 करोड़। और इसके अलावा इनको क्रेडिट रेटिंग मिलना चाहिए ए, क्रेडिट रेटिंग पड़ी एफएम के अंदर, हाँ इनकी क्रेडिट रेटिंग ए के अंदर आना चाहिए, A+ या A+ से इक्विवेलेंट होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा इनका कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसके अलावा इनका कार जो है वो 15% होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं फटाफट बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी। क्या ये बात समझ में आई। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में क्या क्या हो गया इंपॉर्टेंट बात, कि भैया इन्हें जो भी लोन्स एडवांस मांग रखे हैं उनका 75% कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनका ऑन फंड 300 करोड़ 300 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग जो है इनकी वो A+++ इससे ऊपर की होना चाहिए, इससे नीचे की नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनका कार सब समझते हैं, बताओ बैंक का कार कितने परसेंट था, 9%, गुड। और NBFC का कितना हो गया, 15%। इसके अलावा आगे बढ़ूं, इसके बाद सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब इसका मेन बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट करना ही है। इसका मेन बिजनेस भी क्या है फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट करना है। और ऐसी कंपनी जिसने अपने टोटल असेट का 90% इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, और इसके असेट का साइज 100 करोड़ से
ज्यादा है, और जो पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करती है, याद है पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करती है, ये हम पढ़ चुके हैं, बताओ ये क्या हो गई, फटाफट बोलो, क्लियर है कि जो एक्सेप्ट करती किससे, फटाफट बोलो, पब्लिक फंड, इसको हम क्या बोल देंगे, फटाफट बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलोगे इसको, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस को इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्लियर क्या बेटा,